सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 21 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मदुरई पैंथर्स और बेलसी ट्रीची के बीच में। दोस्तों, अगर मैच को पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 29 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। शाम के 7:15 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी एशिया क्रिकेट ग्राउंड सलीम इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। वहीं पहली टीम मदुरई पैंथर्स की बात करते हैं, जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम बेलसी ट्रीची की बात की जाए तो यहां पे बेलसी ट्रीची अपना 5 मैच कंटिन्यू लॉस करके आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर अभी दोनों टीम एक दूसरे से अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। तो यह फर्स्ट मैच दोनों के बीच में होने वाला है। तो आप आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हो दोनों टीमों का टीम कंपटीशन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपटीशन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे मदुरई पैंथर्स का 50% देखने को मिल रहा, तो वहीं बेलसी ट्रीची का 0% देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो जहाँ पे मदुरई पैंथर्स का 130 है तो वहीं बेलसी ट्रीची का 132 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मदुरई पैंथर्स का 183 है तो वहीं बेलसी ट्रीची का 155 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मदुरई पैंथर्स का 76 है तो वहीं बेलसी ट्रीची का 117 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपटीशन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन के मामले में मदुरई पैंथर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी? मौसम पूरी तरह से लगभग क्लियर रहेगी, बट थोड़ी बहुत मौसम में गड़बड़ भी हो सकती है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 30.6 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 56% रहेंगे, वहीं 40% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? तो इस पिच पे अभी तक टोटल 15 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो इस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी लो स्कोर जा सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी ईजी वे में मैच चेस कर सकती है। अगर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 144-45 रन में भी जा सकते हैं। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में लमसम उतना 115-20 रन में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं, उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहले की मदुरई पैंथर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछली मैच की बात करें तो अभी तक टोटल 4 मैच खेल के आई है, जिसमें से 2 मैच जीत के आ रही है और 2 मैच हार के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम बेलसी ट्रीची की बात करें तो बेलसी ट्रीची का यहाँ पर कंडीशन पूरी तरह ख़राब चल रही है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला अपना सारा मैच हार के आ रही है। तो ये मैच पूरी कोशिश करेगी बेलसी ट्रीची मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटिक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मदुरई पैंथर्स के की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पर सी हरी निशांत, वाशिंगटन सुंदर, अजय के कृष्णा, गुर्ज पनेट सिंह। वहीं दूसरी टीम अगर बेलसी ट्रीची के की प्लेयर की बात करें तो गंगा श्रीधर राजू, मनी भारती, एंटोनी दास, जफर जमाल। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मदुरई पैंथर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।